फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं 1965 में आई शम्मी कपूर जी की मूवी के बारे में। इस मूवी का नाम था जानवर। शम्मी कपूर के साथ इसमें हीरोइन थी राजश्री, साथ में इनके दोस्त कॉमेडियन राजेंद्र नाथ, इनके फादर का रोल प्ले किया था पृथ्वीराज कपूर ने, और इनके भाई बने थे इसमें रहमान। और मूवी फ्रेंड्स ये देखने लायक है, इट्स ए कंप्लीट मूवी। मैं एक शब्द में कहूं इसमें सब कुछ है। इसमें रोमांस है, लव स्टोरी है, इमोशंस है, कॉमेडी है, ड्रामा है, फैमिली ड्रामा, सोशल ड्रामा और कई तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स। इसकी स्टोरी मेरे को बढ़िया लगी, एक्टिंग परफॉर्मेंस बेहतरीन है शम्मी कपूर जी की भी, और एंड में पृथ्वीराज कपूर की भी इसमें एक्टिंग मेरे को बहुत बढ़िया लगी। मूवी की डायरेक्शन बढ़िया है, गाने बढ़िया है, इट्स अ कंप्लीट मूवी और देखने लायक मूवी है ये। इसकी स्टोरी के बारे में मैं आपको कुछ डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पर अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो फिर आपको ये जरूर देखनी चाहिए। इसका फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा ये वन डायमेंशनल चलती है, बट जो मेन इसमें जो इंटेंसिटी आती है वो सेकंड हाफ में आती है, और खास तौर से क्लाइमेक्स तो इसका इतना इमोशनल है कि शायद आप रो पड़ेंगे। इसका क्लाइमेक्स आपको पूरी तरह से इमोशनल कर देता है। और फ्रेंड्स, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि शम्मी कपूर जी के लिए कहते हैं कि ये सिर्फ कॉमेडी कर सकते हैं, बट मैं इसे एग्री नहीं करता। शम्मी कपूर इज ए कंप्लीट एक्टर, और खास तौर से मैंने इसमें देखा है कि जो भी इमोशनल मूवीज होती है, इमोशनल सीन्स होते हैं, वहां पर भी शम्मी कपूर बहुत ज्यादा जमते थे। और इसमें भी इमोशनल सीन्स है कई, जिसमें शम्मी कपूर ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, और इनकी कॉमेडी तो खैर लाजवाब होती है। सो इट्स ए कंप्लीट मूवी फ्रेंड्स। और अगर आपने ये नहीं देखी और आप शम्मी कपूर के फैन हैं, और अगर नहीं भी है तो भी मैं इसको रिकमेंड करूंगा। मेरी रिकमेंडेशन पे आप ये मूवी जरूर देखिए। मैं इसको रेटिंग्स दूंगा 4 आउट ऑफ 5। आप इसको YouTube पे देख सकते हैं, जानवर।